हरियाणा राज्य परिवहन के कर्मचारी यूनियनों की हड़ताल को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने जिला में धारा 144 लगाने के आदेश दे दिए हैं, जो कि 8 जनवरी तक लागू रहेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य परिवहन के कर्मचारी यूनियनों अपनी मांगों को लेकर 7 व 8 जनवरी की प्रस्तावित हड़ताल पर रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि प्रस्तावित हड़ताल के दौरान शरारती या असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, अतः स्थिति को देखते हुए यह आदेश पारित किए गए हैं। जिलाधीश के आदेशानुसार करनाल जिले के सभी बस अड्डों के 500 मीटर के दायरे के अंदर 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के असंवैधानिक गतिविधियों के लिए एक स्थान पर एकत्रित होने, किसी भी प्रकार की जनसभा या धरना प्रदर्शन करने तथा किसी भी प्रकार के घातक हथियार बस स्टैंड परिसर में ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश हड़ताल खत्म होने तक लागू रहेंगे। आदेश पुलिस व ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण करनाल के सचिव, जिला के सभी उपमंडलाधीश और हरियाणा राज्य परिवहन करनाल के महाप्रबंधक उत्तरदायी होंगे। जो व्यक्ति इन आदेशों के अवहेला में दोषी पाया जाएगा वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा। एक तो 7 को पहले रोडवेज की स्ट्राइक प्लान थी, जो कि अब उन्होंने कॉल ऑफ कर दी है। कल जो सर्वव्यापी देशव्यापी हड़ताल, उसमें सारे के सारे जो कर्मचारी यूनियन है वो उसमें भाग ले रही हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो नेसेसरी सर्विसेज हैं, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो पाए, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए रोडवेज की सर्विसेज हों। इस तरह की किसी भी समस्या को हम, इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। कर्मचारियों ने हमें आश्वस्त किया है, यूनियनों ने, कि वो जो है शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर भी अगर कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके लिए हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स एरिया वाइज लगा दिए हैं और पुलिस की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस पे रहेगी, ताकि कहीं पे भी कोई डैमेज ना हो। तो धारा 144 वगैरह लगाई, धारा 144 लगा दी गई है जी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स भी लगा दी। तो एक्स्ट्रा फोर्स वगैरह की भी कोई मांग है? बिल्कुल जी, हमने जो हर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स के साथ फोर्स दिया है, जो मेजर मेजर इंस्टॉलेशन है, जैसे ऑफिसर्स हो गए, 33 KV के सब स्टेशन हो गए, इस तरह की जगह पे भी हमने राइडर्स और पुलिस फोर्स की ड्यूटी। तो सर कुछ अपील करना चाहेंगे आप कर्मचारी? मैं सभी कर्मचारियों से अपील करना चाहूंगा कि जो भी उनकी मांगे हैं, किसी भी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपनी मांगे रखना जायज है, लेकिन वो मांगे अपनी शांतिपूर्ण तरीके से रखें। किसी भी तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को, किसी भी पब्लिक व्यवस्था को, सेवा को, सर्विस को डिसरप्ट करने की कोशिश ना करें। अगर इस तरीके से कोई भी कर्मचारी डिसरप्ट करने की कोशिश करता हुआ पाया गया तो उसके लिए, उसके खिलाफ हम नियमानुसार सख्त कार्रवाई। सर कल आरकेपुरम में प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों को लेकर JBD बैंक्वेट्स लाए हैं, इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.